अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन के लेक्चर नंबर 12 में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और हम उसका एक प्रॉपर वे देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है और स्क्वायर रूट को पाइथन में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसे हम पावर में कन्वर्ट करें तो वही स्क्वायर रूट होता है 1/2। अगर हम क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट होता है हमारे पास 1/3। फोर्थ रूट करेंगे तो 1/4। इस तरीके से ये सीरीज कैरी ऑन रहती है। एंड वी कैन यूज द डबल स्टेरिक ऑपरेटर। हमें सिंगल स्टेरिक ऑपरेटर में पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और डबल स्टेरिक ऑपरेशन जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर या एक पावर फाइंड करने के लिए वो चीज़ यूज होती है, ठीक है, या उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वो चीज़ यूज होती है। स्क्वायर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और स्क्वायर रूट के लिए भी। स्क्वायर के लिए करेंगे तो आपको ये 2 के साथ होगा, और स्क्वायर रूट के लिए करेंगे तो आप इसको हाफ कर देंगे, यानी 1/ रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो हम इसको ऑपरेटर को यूज़ करेंगे किसके लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक नंबर है जिसमें हमने एक नंबर इंटर किया है, इन नंबर इक्वल 25। स्क्वायर रूट नंबर डिवाइड करेगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेगा पावर के हिसाब से 1/2 के साथ, और प्रिंट करेगा स्क्वायर रूट और जो भी उसका अवेलेबल स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं और अपने जो आईडी है उसमें हम रन करते हैं और इसका आउटपुट फाइंड करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब इस कोड को हम रन करेंगे तो इसमें हमारे पास आया आउट आउट आउटपुट आया स्क्वायर रूट ओवर 25 इज 5.0। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमें यही नंबर हमें इनपुट यूजर दे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम इंट एक फंक्शन बनाते हैं, इंट, और इसको हम एक जो है वो एक वेरिएबल, एक इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट बनाते हैं, इनपुट, ठीक है। इनपुट बनाने के बाद हम इसके अंदर एक लिखते हैं इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम इसमें क्या लिखते हैं, इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक ये टैब यूज़ कर लेते हैं ताकि वो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ले आए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इक्वल की निशानी दे देते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं। अब देखें कि इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ टैब का। टैब में हमारे पास ये एक स्पेस आ गई जिससे हमें कोड की थोड़ी क्लीनलीनेस आ गई, कोड अच्छे तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद इक्वल के साथ ये बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है। तो हमें इक्वल के बाद भी एक टैब देना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्लैश डाल के ये टी करेंगे, तो हम इसको अगेन रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये चीज़ आएगी। अब देखिए इक्वल के बाद भी हमारे पास कुछ गैप है। लेट्स सपोज हम इसको इंटर करते हैं 36, ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका 6 आना चाहिए। तो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। अब ये देखिए कि ये वाला 36 क्यों लिखा आ रहा है, क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट में हमने ये स्ट्रिंग में लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, नंबर नंबर उसको हमने डिफरेंशिएट किया है स्पेस बार के साथ, कॉमा के साथ, और उसके बाद क्या कि ये नंबर भी इंटर हो, ये वाला यहाँ पे इंटर होगा तो ये नंबर डायरेक्ट इधर आ जाएगा। इज एक प्रॉम्प्ट है फिर, और स्क्वायर रूट जो कि ये वाले वेरिएबल का डेटा है तो वो चीज़ प्रिंट होगी ये वाले में, ठीक है। तो ये आपका डेटा आप इंटीजर में इनपुट कर रहे हो लेकिन आपको आंसर हमेशा आपको फ्लोट में मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको कोई और वेरिएबल भी इंटर करते हैं, जैसे हम इसमें 38 इंटर करते हैं, तो इसको देखते हैं क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 6.16444, ठीक है। अगर हम इस इंट को चेंज कर दें फ्लोट में, FLOAT, ठीक है, अब हम इंटर जो कर सकते हैं नंबर वो फ्लोट में भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट में इंटर कैसे, मतलब कि आप 98.6 का अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास इसका ये वाला जो फ्लोट में आपने इनपुट दिया और आपका आंसर भी क्या आ गया, इंटीजर फ्लोट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी नंबर का, और यही इसकी प्रोग्रामिंग होती है। इसमें दो टाइप्स होती हैं, मीन आप एक तो नंबर फिक्स दे सकते हैं और एक यूजर से नंबर दे सकते हैं। तो हमने फिक्स नंबर वाला भी किया और यूजर नंबर वाला भी किया, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसका क्या है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को स्वैप करना है। वेरिएबल को स्वैप करने का मकसद होता है कि आपने एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा के और उसे रिकॉल करना है, ठीक है। सपोज वी हैव टू वेरिएबल लाइक दिस, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिसमें एक फोन 1 है और वो आईफोन है, फोन 2 हमारे पास गैलेक्सी अल्ट्रा है, ठीक
ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ फोन वन एंड फोन टू शुड बी एक्सचेंज। अगर हम इस वैल्यू को स्वैप करेंगे तो जो फोन वन की वैल्यू थी वो फोन टू में चली जाएगी और फोन टू की जो वैल्यू है वो फोन वन में चली जाएगी। मीन ये वैल्यू को स्वैप कर देगा, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में रिवर्स कर देगा। ठीक है, बिफोर वी सी द एक्चुअल सोल्यूशन लेट्स ट्राई एन अप्रोच दैट विल नॉट वर्क। एक हम अप्रोच चेक करते हैं कि जो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे। पैनल वन, फोन वन इक्वल टू आई फोन, फोन टू इक्वल टू अल्ट्रा गैलेक्सी अल्ट्रा। ठीक है, ये डेटा हमने एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किया। फोन वन इक्वल टू फोन टू, फोन वन किसके बराबर है, फोन टू के बराबर, और फोन टू इक्वल है फोन वन के। ठीक है, फोन टू किसके बराबर हो गया, फोन वन के। प्रिंट फोन वन, फोन वन प्रिंट बैक स्लैश एन, ये न्यू लाइन के लिए, फिर फोन टू का प्रॉम्प्ट प्रिंट होगा और ये गैलेक्सी टू होगा। अब ये कोड वर्क क्यों नहीं करेगा, इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। अगर आपने वो मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं पढ़े तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरह क्यों आता है और ये किस तरीके से ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। जैसा कि हमें क्या बोला गया था कि गैलेक्सी वन हमारे पास जो है वो फोन वन में आना चाहिए और आईफोन हमारे पास फोन टू में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों गैलेक्सी अल्ट्रा ही आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि देखिए आपके पास, आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर कोई आपने वेरिएबल बनाया है और वो वेरिएबल का नेम सेम है तो आपके वो लेटेस्ट वेरिएबल को पिक करेगा, ना कि आपके फर्स्ट वेरिएबल को। देखिए आपके पास फोन वन ये भी वेरिएबल है, फोन वन ये भी वेरिएबल है, लेकिन जब वो प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, वो इसकी लेटेस्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो फोन वन आईफोन है, फोन टू गैलेक्सी अल्ट्रा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो फोन वन किसके बराबर हमने कर दिया, फोन टू के, यानी कि फोन वन इसको यहाँ होना चाहिए गैलेक्सी अल्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे फोन वन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे फोन वन की वैल्यू आ गई गैलेक्सी अल्ट्रा। ठीक है, अब आ गया फोन टू, अब फोन टू की वैल्यू क्या है, गैलेक्सी अल्ट्रा, और इस लाइन पे फोन वन की वैल्यू क्या है, फोन वन की वैल्यू यहाँ पे है गैलेक्सी अल्ट्रा। ठीक है, तो मीन यहाँ पे भी गैलेक्सी अल्ट्रा साइन हो गया, तो अब दोनों जगह पे गैलेक्सी अल्ट्रा है, इसलिए दोनों जगह पे गैलेक्सी अल्ट्रा ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम थोड़े वेरिएबल चेंज कर दें तो हमारा वो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हम उसको फर्दर आगे भी चल के देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैन यू गेस वाई द अबव प्रोग्राम डिडंट वर्क। आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम ने क्यों नहीं वर्क किया। वैन वी असाइन फोन टू फोन वन डायरेक्टली यूजिंग फोन टू इक्वल टू फोन वन, द ओल्ड वैल्यू ऑफ फोन वन विल बी लॉस्ट। जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी, वो अपने लेटेस्ट वेरिएबल की वैल्यू को पिक करेगा। दैट्स वाई बोथ वेरिएबल आर इक्वल, दोनों वेरिएबल इक्वल आ गए टू गैलेक्सी अल्ट्रा, गैलेक्सी अल्ट्रा के। टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ फोन वन टेम्परेली बाई क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल। हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हम टेम्परेरी बनाएंगे उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए, ताकि हमारा वो रिजल्ट एग्जैक्टली आ सके। अब हम इस कोड को रन करते हैं और इस कोड को देखते हैं कि क्या हमें वो चीज़ दे रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस कोड को रन करें, ठीक है, तो इंडेंटेशन का एरर है, इसको सेट कर लेते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो ये आपने है ये देखना है। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर इधर देखें तो क्या आना चाहिए, फोन वन पे गैलेक्सी अल्ट्रा आना चाहिए और फोन टू पे आईफोन आना चाहिए। अब इस प्रोग्राम में देखिए तो हमारे पास वही आ गया, लेकिन वो आया कैसे। देखिए टेम्प फोन का हमने क्या बोला कि टेम्प फोन एक टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि ओल्ड वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने फोन वन को इक्वल कर दिया फोन टू के, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, असाइन टेम्प फोन, असाइन फोन टू को जो हमने स्टोर कर दिया टेम्प फोन के डेटा में, तो इस वैल्यू ने इसके साथ स्वैप कर दिया, ओल्ड डेटा का वैल्यू का जो है वो स्वाइप नहीं हुई, ओल्ड वैल्यू आपकी टेम्प फोन में पड़ी रही, उससे आपके इस वेरिएबल ने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने इसको प्रिंट कर दिया, तो आपका ये फंक्शन बिल्कुल ठीक हो गया और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ है, लेकिन आपने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्सीड करके इसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया, तो आपकी ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इस मॉड्यूल की समरी के ऊपर कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ी और किस तरीके से इसको हमने वर्क किया। कंग्रेचुलेशन, यू हैव कम्प्लीटेड द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन जनरल। आपने पाइथन प्रोग्रामिंग का जो बेसिक जनरल एक मॉड्यूल था वो आपने कंप्लीट कर लिया। दीज कॉन्सेप्ट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोग्रामिंग के। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, चलिए इसको रिवाइज करते हैं अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है। वी हैव लर्न
अबाउट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, इंटीजर होल नंबर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, नंबर्स विद डेसिमल पार्ट। हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा कि नंबर पाइथन में दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर होता है एक फ्लोट होता है। जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने इस प्रोग्राम में भी फ्लोट और इंटीजर का जिक्र किया और उसको हमने यूज़ किया। फ्लोट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको जो डेसिमल पार्ट्स के साथ होते हैं, जैसे 8.0, 7.6, 3.2, 3.5, ये नंबर सारे कहलाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर हमारे पास होते हैं फिक्स नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इंटीजर नंबर है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग वो कैरेक्टर्स होते हैं जो इनसाइड ऑफ कोटेशन मार्क रैप होते हैं और वो सेम एज इट इज प्रिंट होते हैं, और स्ट्रिंग यूज होता है आपके कुछ वेरिएबल्स के नेम देने के लिए। मीन जैसे हमने नेम लिखा, उसमें हमने अली का नाम कॉल करना, तो हम अली लिखेंगे, फिर अहमद लिखेंगे, जहांजेब लिखेंगे, जहां स्टडी लिखेंगे, यूट्यूब सब्सक्राइब लिखेंगे, समरी लिखेंगे, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग में आ जाएंगी और ये सिंगल कोटेशन मार्क में होनी चाहिए। फिर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि डेटा को स्टोर करवाती है। मीन अगर आप इसे सिंपल फॉर्म में बोलो तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट स्टोर्स द डेटा एंड यूज लेटर इन द प्रोग्राम, और फिर हम उसको डिफरेंट जगह पे प्रोग्राम में यूज करते हैं। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट आपका प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट का मतलब होता है कि आपकी एक आउटपुट होता है वो डिस्प्ले कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि आपने जो एग्जीक्यूशन करवानी है वो बिल्कुल वही है और वो ही इसका रिजल्ट है। कमेंट्स, कमेंट्स वो पार्ट होते हैं जो आप प्रोग्राम को में इग्नोर करते हैं। इग्नोर का मतलब होता है कि वो जस्ट यूजर इंटरफेस के लिए होते हैं, वो यूजर को समझाने के लिए होते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये आपका यूजर को समझाने के लिए है कि स्टोरिंग द ओल्ड वैल्यू ऑफ फोन 1 टू द फोन 2, ये वेरिएबल इसके स्टोर करवाता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके पास ऑपरेटर। ऑपरेटर में आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके पास सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कोशेंट और इस तरह के डिफरेंट। फिर हमने डेटा कन्वर्जन पढ़ा। डेटा कन्वर्जन में हमने एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट किया, जैसे इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, देन स्ट्रिंग को इंटीजर में, ये सारी हमने कन्वर्जन की। फिर हमने यूज़र से इनपुट लिया और उसको रिकॉल किया। ठीक है, तो ये लेक्चर हुआ आज का कंप्लीट। नेक्स्ट में हम मॉड्यूल 2 को स्टार्ट करेंगे।